बच्चों हमारा अध्याय चल रहा है 3 विद्युत धारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। याद कीजिए संयोजन के बारे में हमने चर्चा की थी अध्याय 2 में, याद है? वहां पे हमने देखा था संयोजन दो प्रकार के थे, एक तो क्या था, सीरीज में था, श्रेणी क्रम में था, और दूसरा किस में था, समांतर क्रम में था। बात करें आखिर हम संयोजन करते क्यों है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, बहुत सारा जाल बना हुआ है, जैसे ये जाल बना हुआ है, हम इस जाल को हटा दें। यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे प्रतिरोध लगाए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने प्रतिरोध लगाया, तो मैं ये चाहता हूँ इसको हटा के R1, R2 और R3 इसको हटा के क्या करूँ, एक ही प्रतिरोध लगा दूँ। इसको हटा के क्या करूँ, मैं एक ही प्रतिरोध बना दूँ, तो उस प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करें हम, ठीक है? तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी हम पढ़ते हैं कि R1 हटा दें, R2 हटा दें, R3 हटा दें, वहाँ पे ये एक लगा दें, या फिर इस एक प्रतिरोध मेरे पास है नहीं, मेरे पास मान लो ये कितने का है, 5 ओम का है, मुझे 5 ओम का प्रतिरोध चाहिए, लेकिन मेरे पास 5 ओम का प्रतिरोध नहीं है, 1 ओम का है, 2 ओम का है, तो उनको मैं व्यवस्था कैसे करूँ जिससे मेरे पास क्या हो, 5 ओम प्राप्त हो जाए। हालांकि ये श्रेणी क्रम है ना, समांतर क्रम में भी होता है, आपको क्रम पहले से बताए हुए हैं। अगर आप समांतर क्रम की बात करें तो इस तरह जोड़ते थे, अगर ध्यान हो आपको पुराने वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, ये क्रम को देखा था, ठीक है? तो इन क्रमों को क्या करें, एक तो श्रेणी क्रम है, दूसरा क्या है, समांतर क्रम है। तो चलिए डिटेल से चर्चा करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, हेडिंग डाल लीजिए प्रतिरोधों का संयोजन। क्यों करते हैं ये तो आपको बताया गया कि दिए गए प्रतिरोध से भिन्न प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को जोड़कर अभीष्ट प्रतिरोध प्राप्त करते हैं, ठीक है? इसलिए करते हैं। ये जो अपना संयोजन होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला तो क्या है, श्रेणीक्रम संयोजन, जिसको हम इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है? ये 2 प्रकार का होता है। हाले एक संयोजन ऐसा भी होता है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित संयोजन कहते हैं। वैसे तो 2 प्रकार के ही हैं, और एक ऐसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम भी हो और समांतर भी हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, मिश्रित संयोजन कह देंगे। समझ गए बात को? तो अब अपन चर्चा ये करेंगे, यदि श्रेणी क्रम में संयोजन हो रहा है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और समांतर क्रम में संयोजन हो रहा है तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात करें कि आखिर श्रेणी क्रम होता क्या है। श्रेणी क्रम में देखिए क्या होता है, अपने पास मान लो एक प्रतिरोध ये है, ठीक है? इसको क्या करूंगा, दूसरा प्रतिरोध इस तरह जोड़ दूंगा। ये लगातार क्या होते हैं, ये जुड़ते जाते हैं, इधर से भी लगातार जोड़ सकते हैं, ये श्रेणी क्रम हो गया। जैसे पहला प्रतिरोध हो गया R1, ये हो गया R2, ये R3, R4, यानी क्या हुआ, ये पहला बिंदु दूसरे से जुड़ जाएगा, दूसरा क्या होगा, पहले से, यानी दो सिरे होते हैं, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, यानी दायां बाएं से, बायां दाएं से, इस तरह जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अगर ऐसा क्रम दिया गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। कुछ यही लिखा हुआ है कि जब किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लगे कई प्रतिरोधों को हटाकर उनके स्थान पर केवल एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए जिससे परिपथ की धारा और उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। और ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अभी बताया मैंने आपको 2 प्रकार के संयोजन होते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, अभी मैंने कहा इस संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, इस तरह क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समझ गए? दोनों बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करूंगा। तो तुल्य प्रतिरोध आपको बताया कि मैंने यहाँ पे R1, R2, R3, R4 लगा रखा है, इन सबको हटा के सब कुछ इतना ही मिले, मेरे पास विभव भी इतना हो, धारा भी इतना हो, ऐसा प्रतिरोध लगा दूं तो वो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है? चलिए बात करें इस श्रेणी क्रम में, आप तो देख लीजिए जुड़ता है ऐसे, आखिर श्रेणी क्रम में होता क्या है। इस तरह का देखिए श्रेणी क्रम में ये जुड़ा हुआ है, अपन एक बैटरी जोड़ रखी है जिसका विभव कितना है, वी है, वोल्ट आपका वी दिया गया। इसमें क्या होता है, ये धारा होती है, धारा तो तीनों को बराबर मिलती है, श्रेणी क्रम में क्या होगी, धारा तीनों को बराबर मिलेगी, लेकिन अपने पास जो विभव है ये वी है, ये क्या होता है, बट जाता है, इसको V1, दूसरे को क्या हो गया V2, और तीसरे को क्या होता है V3 प्राप्त होता है। यानी जो कुल विभव है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, यानी V जो हो जाता है वो क्या होता है, V1
प्लस वी टू प्लस क्या होता है वी थ्री होता है, और आई तीनों के लिए क्या होता है बराबर होता है। समझना इस बात को, आई तीनों के लिए क्या होगा बराबर होगा। कहने का मतलब यह है तो इसको R1 पे क्या होगा V1 होगा, R2 के लिए कितना होगा V2 होगा, और R3 के लिए कितना होगा V3 होगा। ओम का जो नियम है, ओम के नियम से देखें V बराबर होता है अपने पास आई आर। ओम का नियम जो नियम है वो क्या होता है V बराबर आई आर। तो हमने V बराबर आई आर लिया, तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास V1 की बात करें तो V1 कितना हो जाएगा आई आर वन। समझ गए क्यों, धारा तो आई है। V2 की बात करूँ तो V2 हो गया अपने पास आई आर टू, और जो V3 है वो हो गया अपने पास IR3। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जो V है अपना वो क्या है V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा V3 होगा। तो अपन ने क्या किया, V1 का मान रख दिया, V2 का रख दिया, और V3 का रख दिया। कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ गया, तो ये आ गया अपने पास R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कुल मिला के देखिए क्या आ गया अपने पास, V बराबर आ गया V1 प्लस V2 V3 है ना, तो ये आ गया I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हटा दिया, हटा के एक नया लगाया। मान लीजिए उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है RS है, RS S4 क्या हो गया सीरीज। तो उसी ओम के नियम से V बराबर क्या होगा I RS होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण एक हो गया और ये क्या हो गया समीकरण दो हो गया। यहाँ पर ये जो मान आया था ये V का मान आया था, ध्यान दो है ना, ये भी क्या है V का मान है। इस V को हटा के हम क्या लिख सकते हैं IR लिख सकते हैं, ये अपन ने क्या किया IR लिख दिया। अब दोनों तरफ देखिए I कॉमन है ना, तो I से I क्या होगा कट जाएगा, तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। क्या आया देखो RS बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, यानी तीनों का योग आ गया। तीनों का क्या हो गया योग आ गया। यदि मैं चार लगाता तो चौथा आता, पाँच लगाता तो क्या होता पांचवा आता, तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध है। परिभाषा अगर देना चाहे तो परिभाषा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं बताइए भाई। अपन ने क्या किया तीन लगाया है, चार लगा देते पांच लगा देते एन लगा देते, तो एन लगा देते तो आपका ये सूत्र बनता। अपन एन लगाते तो क्या होता ये सूत्र बन जाता। तो परिभाषा अगर देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देख रहे हो ना, सबके योग के बराबर होता है। ठीक है, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का मान होता है किसका तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है यानी कहने का मतलब तुल्य प्रतिरोध है ना, इसका मान होता है वो क्या होता है प्रत्येक प्रतिरोध के अलग अलग मान से अधिक होता है। यानी आर का मान क्या होगा बाकी सबसे अधिक होगा। कैसे देखो, यदि मेरे पास आर वन एक ओम है और R2 मेरे पास क्या है दो ओम है, और R3 मेरे पास कितना है तीन ओम है, तो बताइए R कितना निकलेगा। जो अपना R निकालेंगे क्या निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस कितना हो गया R3, यानी एक प्लस दो प्लस तीन कितना आया छः ओम। क्या देख रहे हो, वो जो तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना आया छः आया, यानी इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है संयोजन किया जाता है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, और भी कई बातें याद कर सकते हो, अपन ने इसको देख लिया तो अगली हेडिंग डाल सकते हो कि प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। क्या देखा आपने, जब मैंने इसका संयोजन किया धारा जो थी आई रही थी है ना, तो प्रत्येक भाग में धारा क्या होती है एक ही रहती है, ये बात नोट करने की है। धारा क्या होती है एक ही होती है, विभव बदलता है ना, विभव क्या होता है बदलता है। तो यानी कहने का मतलब संयोजन के सिरों का विभवांतर इसमें जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध पे विभवांतर के योग के बराबर होता है। यानी ये बताया था आपको V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या होता है V3 होता है। ठीक है, साथ में आपने ये देख ही लिया कि जो तुल्य प्रतिरोध था R वो क्या निकला R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये अपन ने देख ही लिया। तो इनके योग के बराबर होता है, ये भी बात अपने समझ में आ गई कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए चालकों के प्रतिरोध के योग के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, हमने शक्ति व्यय पढ़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, शक्ति व्यय क्या होता है इसके इसमें क्या होता है R के समानुपाती होता है,
और अनुपात लेना चाहें तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या होगा? R1 अनुपात R2 अनुपात R3 होगा। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ ये वाली है कि यदि आप N एक समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, एक समान जोड़ देते हैं तो क्या होगा, यानी R1 की जगह R ले लें, R2 की जगह R ले लें, R3 की जगह R ले लें, ऐसे ही लगातार क्या करें, R ले लें। ठीक है, ये RS लिख देता हूँ इसको समझने के लिए। बताइए कितने R हो गए, NR हो गए, है ना। तो सभी N यानी 5 लगाया तो 5R, 6 लगाया तो 6R, 10 लगाया तो 10R हो गया। तो कुल मिला के आपका आ गया RS, यानी सीरीज में जो आपने तुल्य प्रतिरोध निकाला है, समान प्रतिरोध जितने भी हैं उसी का क्या होता है, गुणांक होता है, गुणज होता है। क्लियर। और अगर आप निकालना चाहते हैं इसी केस में कि प्रत्येक सिरे पे विभवांतर कितना होगा, तो VY कितना होगा, N होगा, क्योंकि यहाँ पे V1, V2, V3, V4 ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे V1, V2, V3 ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए कितना आ जाएगा, VYN आएगा। टोटल V है ना, ये टोटल क्या है, V है, तो N हिस्सों में क्या होगा, ये आपका बट जाएगा। क्लियर। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, कौन से क्रम की बात की हमने, श्रेणी क्रम की बात की। ठीक है, अब चलते हैं हम समांतर क्रम की ओर कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। अपने को पता है समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, देखिए इस तरह का होता है संयोजन ये, अगर आप समझना चाहें तो ये देखिए, जब आपके पास चित्र आ जाएगा तो चित्र से आपको क्या है, चीज़ें समझ में भी आ जाती है। इस तरह का जो संयोजन है वो कौन सा है, ये समांतर क्रम संयोजन है। मान लीजिए अपने पास ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्या देख रहे हो, दो सिरे होते हैं, इनका सबका पहला सिरा, ये देखिए इसका पहला सिरा, ठीक है, इसका पहला सिरा और इसका भी क्या है, पहला सिरा एक तरफ जुड़ा हुआ है। तीनों के पहले सिरे क्या हैं, एक तरफ जुड़े हुए हैं, और इनके दूसरे सिरे वो भी क्या हैं, एक तरफ जुड़े हुए हैं। यानी सबके एक पहला सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा क्या हो, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है, किससे, बैटरी से जोड़ रखा अपन ने। ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उन सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे क्या हों, एक दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, बात ये तो है, ये अपने को समझ में आ जाती है। काम की बात क्या है वो ध्यान दीजिए, इन सभी प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर समान होता है, ये काम की चीज़ है। विभव क्या होगा, सबको समान मिलेगा, यानी यहाँ से अगर V जा रहा है ना, तो इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, और इसको भी क्या होगा, V मिलेगा। ठीक है, पिछली बार V नहीं मिला था, श्रेणी क्रम में V क्या हो गया था, टूट गया था, V1, V2 और V3 में, और धारा बराबर थी। यहाँ पे धारा क्या होगी, इसके अंदर धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी बैटरी से अगर I धारा जा रही है, यहाँ से I धारा जा रही है, ये तीन हिस्सों में टूट जाएगी। इसको क्या मिलेगा, इसको I1 मिलेगा, इससे I2 मिलेगा, और इसको क्या होगा, I3 मिलेगा। ये जो धारा है ये क्या होगी, टूट जाएगी। यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। समझ गए, चित्र ये रहा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बैटरी लगा रखा है, कुंजी लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है धारा मापने के लिए। ये आई धारा गई, यहाँ से क्या हो गई, ये आई धारा गई, ये धारा टूट गई, पहले वाले को I1 मिला, फिर I2, फिर क्या हो गया, I3। लेकिन विभव की बात करें तो तीनों के विभव क्या होंगे, समान होंगे, इसके इसके और इसके, तीनों के विभव क्या होंगे, समान होंगे, इस बात का ध्यान रखना। समझ गए बात को, कहने का मतलब है पहले वाले को भी विभव कितना मिलेगा, V मिलेगा, दूसरे वाले जो प्रतिरोध है उसको भी विभव कितना मिलेगा, V, और तीसरे को क्या मिलेगा, V ही मिलेगा। लेकिन जो धारा है वो क्या होगी, I1, I2 और I3 होगी। कुल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी, ये अपने को पता है। ठीक है, तो अपने को ये बात समझ में आ गई। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि माना कि बिंदुओं A व B के मध्य तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें लिखना भी आना चाहिए, परीक्षा में जब पूछा जाता है तो डायरेक्ट हम डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें बतानी पड़ेगी आपको। चित्र भी लिखना पड़ेगा, जो चित्र हैं आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसके अंदर आई ए बना के, और साथ में ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। साथ में हमने माना कि बैटरी द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, आई है। बिंदु ए पर यह धारा कितने भागों में बटेगी,
तीन भागों में बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि आपने प्रतिरोध कितने जोड़ रखे हैं? तीन जोड़ रखे हैं, इसलिए क्या हो गया, तीन भागों में बट गई। वो जो बटा है वो मान लीजिए R1 और R2 और R3 जो प्रतिरोध है उनको धारा कौन कौन सी मिली, पहले वाले को I1 मिल गई, पहले वाले को क्या हुआ, I1 मिल गया, दूसरे वाले को I2 मिल गया और तीसरे वाले को क्या हो गया, I3 धारा मिल गई। ठीक है, ये धारा क्या होगी, बिंदु B पर आके तीनों धाराएं मिल जाती है और कुल धारा कितनी बन जाती है, I बन जाती है। यहाँ पे क्या होगा, ये धाराएं मिल जाएगी और यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो आएगी अपने पास, यहाँ पे वो धारा वापस से क्या होगा, I हो जाएगा। कहने का मतलब है I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। समझ गए, वहां श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बना था, यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बना है। अब वही चीजें अपने को सारी चीजें ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम लगा दीजिए, आपका ये बन जाएगा, भाई ये तो पता ही है ओम का नियम, I बराबर V अपॉन R होता है। भाई पिछली बार अपन ने V बराबर IR लिया था, क्यों क्यों लिया था, समझ गए, तो यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, I बराबर V अपॉन R, I1 I2 और I3 के वजह से। तो मैं I1 निकालूं, तो I1 क्या होगा, V कांस्टेंट है सभी को V मिलेगा, R1। I2 निकालेंगे तो V अपॉन R2, और जब हम I3 निकालेंगे तो ये आएगा V अपॉन R3। समझ गए, तो ये अपने पास आ गया I1 आ गया, ये देख रहे हो यहाँ पे अपने पास क्या है, I2 है और ये क्या है अपने पास, I3 है। समझ गए बच्चों यहाँ तक, तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब कोई डाउट नहीं है, अब आपने ये देखा था, अभी मैंने लिखा था आई बराबर क्या लिखा था आपका, I1 प्लस I2 प्लस क्या लिखा हुआ था अपने पास, I3। ये देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चाहें तो इसको कोई सा भी समीकरण दे सकते हैं, मान लो मैंने समीकरण एक दिया तो इसमें ये मान रख सकते हैं। ठीक है, अपन ने मान रख दिया I1 का मान V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, ये तो रखूंगा। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो V कॉमन आ रहा है, V मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर यहाँ समीकरण दो। ठीक है, अब बैटरी की बात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध जो निकालना है ना, तो ये मान लीजिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो RP है। यानी कहने का मतलब इस पूरे जाल को हटा के यहाँ पे एक ही प्रतिरोध लगाऊं, वो कितना होगा, RP, यानी पैरेलल। P मैंने कहाँ से लिया, पैरेलल यानी समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध लिया। ठीक है, ओम के नियम से देखें तो ओम का नियम लगाया हमने, I बराबर V अपॉन R, R की जगह क्या करेंगे, RP लेंगे, R की जगह हम क्या करेंगे, RP लेंगे। तो अब देखिए ये भी धारा यानी I है, और यहाँ पे जो मेरे पास समीकरण दो था ये जो प्राप्त हुआ ये भी क्या मिला था अपने को, I मिला था। तो दोनों I को क्या करें हम, बराबर कर दें, दोनों I को हमने बराबर किया, और जैसे ही दोनों I को बराबर करोगे यानी I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/RP रख सकते हैं। ये अपना एक समीकरण बन जाता है, V/RP बराबर V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं क्या करूं, V से V को काट दूं, जब V से V को काटता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ऐसे बहुत सारे होते हैं तो 1/R4, 1/R5 कहाँ तक चलते हैं हम, 1/RN तक चलते हैं, अगर N अपने पास है। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया, इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्यतक्रम, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्यतक्रम शेष अन्य प्रतिरोधों के व्यतक्रमों के योग के बराबर होता है। यानी इनका भी हम क्या कर रहे हैं, व्यतक्रम ले रहे हैं, बटे में लिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल बोलेंगे, व्यतक्रम कहेंगे। तो पढ़ना हो तो इस तरह कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यतक्रम उन प्रतिरोधों के व्यतक्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए बात को। अगर मेरे पास देखिए R1 बराबर मान लो 1 होता, R2 बराबर 2 होता और R3 बराबर मेरे पास क्या होता, 3 होता, तब मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो देखें क्या आता है, 1/1, ये आ गया 1/2 और 1/3। ये किसका मान आया, 1/R का आया। तो इसको हल करूँ लघुत्तम आ जाएगा 1, 2, 3, कितना होगा 6 आ जाएगा। तो ये आ गया 6 + 3 + 2, 6 × 3 = 9, 2 = 11/6, कितना आ गया 11/6 आ गया।
अब इसको और आगे हल करूं, मैं 11 बटे 6 को हल करना चाहता हूं, तो देखिए जब 11 बटे 6 को हल करेंगे तो क्या आएगा अपन देखें, तो यहां पे 1 बटा r बराबर मेरे पास आया 11 बटे 6, ठीक है। r का मान निकालूं तो r का मान आएगा 6 बटे 11, भाग लगाना चाहूं तो मैं भाग लगा के भी देख सकता हूं, 6 11 नहीं जाता भाग तो मैं पॉइंट लगा देता हूं, 60 11 पंचे 55, अपने पास कितना आ गया 55, तो 55 घटाऊंगा तो कितना आएगा बताइए, 60 में से 55 घटाऊंगा 5, फिर जीरो लेंगे और 11 चौके 44, तो यानी लगभग कितना आ रहा है 0.54 आ रहा है। तो इस r का जो मान है लगभग कितना आ रहा है मेरे पास 0.54। देखो क्या हो रहा है, ये r जो है बाकी सबसे कम आया, आर वन कितना था 1, आर टू कितना था 2, और आर थ्री कितना था 3, और आर यहाँ पे क्या मिला तो आप आर देख रहे हो 0.54 मिला। तो अपन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान अन्य सभी प्रतिरोध, जिन भी प्रतिरोध को आपने जोड़ रखा है उन सबसे कम प्राप्त होता है, उन सबसे क्या होता है कम प्राप्त होता है। तो यही लिखा हुआ है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधों में सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है कम होता है, यानी ये जो 0.54 है इस एक से भी क्या है कम है। शॉर्ट एंड स्वीट में ये कह सकते हो तुल्य प्रतिरोध में जब आप प्रतिरोध जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा सबसे कम प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है यदि आपका तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा लेना चाहते हो तो श्रेणी क्रम में जोड़िए, और तुल्य प्रतिरोध कम करना चाहते हो तो किसमें कीजिए समांतर क्रम में। ध्यान रखना प्रतिरोध घटाना है समांतर क्रम में जोड़ दो, प्रतिरोध बढ़ाना है श्रेणी क्रम में जोड़ दो, ठीक है। कई बार ये फॉर्मूला काम में आता है, अगर आपके पास R1 और R2 दो ही है तो ये होगा 1 बटा R बराबर, यानी RP बोल सकते हैं 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। इसको हल करो तो हल करोगे क्या आएगा देखिए, 1 बटा R बराबर क्या है आपके पास 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 आया। एलसीएम ले लिया मैंने इसका R1 और R2, तो ये आ गया आपके पास R2 प्लस R1, किसका मान आया तो आप कहोगे ये 1 बटा R का मान आया, किसका आया 1 बटा R का। इसको पलट दो, जैसे ही पलटूंगा व्यतिक्रम लूंगा तो R बराबर क्या आएगा ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 बटे में R1 प्लस क्या होगा R2 होगा, यही तो लिखा हुआ है। तो दो के लिए ऐसे काम में लेंगे, कई बार दो होता है तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं न्यूमेरिकल हल करने के लिए काम में ले लेते हैं। अब बात करें घरों के अंदर जो है आपके जो घर हैं उसमें विद्युत के जो बल्ब हैं हीटर हैं पंखे हैं ये एक दूसरे के कौन से क्रम में होते हैं, आपसे पूछा जाए घरों में संयोजन कौन से क्रम में होता है तो आप बताएंगे समांतर क्रम में होता है, ठीक है। क्यों होता है, एक कारण तो ये है कि उनके अलग अलग स्विच होते हैं, है ना, एक को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ सबको एक को बंद करूँगा सारे बंद हो जाएंगे, तो समांतर क्रम में क्या होता है अलग अलग स्विच होते हैं, मुझे पंखा बंद करना है तो पंखा का स्विच दबाना है, बल्ब बंद करना है तो बल्ब का स्विच दबाना है, हीटर बंद करना है तो हीटर का। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो एक स्विच बंद करूंगा सारे बंद हो जाएंगे, एक को चालू करूंगा सारे चालू हो जाएंगे, एक कारण तो ये है। लेकिन दूसरा कारण भी एक असली कारण ये भी है कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो सबसे कम होता है, और जैसे ही तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है जिसका मतलब चालकता क्या होती है अधिक होती है, चालकता क्या होती है अधिक होती है। अधिक चालकता प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं तुल्य प्रतिरोध कम करते हैं, इसी के लिए घरों में जो संयोजन किए जाते हैं वो समांतर क्रम में संयोजन किए जाते हैं, समझ गए। ये कारण तो है अलग अलग स्विच, साथ में ये सबसे बड़ा कारण है। चलिए जैसे आपने श्रेणी क्रम में कुछ बातें याद रखी वैसे हम क्या करें समांतर क्रम में भी कुछ बातें याद रखिए, है ना। पहला तो क्या याद रखेंगे, क्या बटा इसके अंदर, किसको बांटा हमने इस चित्र में, आपने देखा यहाँ पे हमने किसको बांटा, धारा बांटा या विभव को बांटा, तो यहाँ पे आपने देखा I1, I2, I3 हुआ और V नहीं बटा, तो पहला बात तो ये याद रख सकते हैं V नहीं बटेगा, धारा बटेगी I1, I2 और I3 तीन भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। शक्ति व्यय की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका जो शक्ति व्यय है इनके प्रतिरोध के व्यतिकर्मानुपाती होगा, वहाँ पे एक सीधा समानुपाती था, यहाँ पे क्या होगा व्यतिकर्मानुपाती होगा P समानु पाती 1 अपॉन R, यानी कहने का मतलब है P1 P2 P3 ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 अनुपात 1 अपॉन R2 अनुपात 1 अपॉन R3, ठीक है। दूसरा अगर आप R प्रतिरोधी N बार जोड़ देते हैं तब क्या होगा, तो देखिए
तब क्या होगा, एक बटा आर जो निकाल रहे हैं आप, या आर पी क्या होगा, ये सब क्या आएंगे, एक बटा आर, एक बटा आर, फिर आएगा एक बटा आर कहां तक, कहां तक आएगा एक बटा आर, जहां तक जाना चाहते हैं एन पदों तक, क्या होगा एक बटा आर ही आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन बटा आर लिख सकते हैं, एक बटा आर पी बराबर। और आर पी निकालना चाहूं तो क्या आ रहा है अपने पास, आर बटा एन आ रहा है। पलट दूं तो पलटते ही आ गया, तो ये आपके आर बटा एन के बराबर होगा। वहां पे जो धारा होगी प्रत्येक पे वो कितनी होगी, आई बटा एन होगी। विभव कितना होगा, वी सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है, ये अपने को पता है, वी क्या है सबके लिए बराबर है। तो ये आपका संयोजन था, समझ गए बात को, ये अपना क्या था, संयोजन था। हमने श्रेणी क्रम में संयोजन देखा, समांतर क्रम में देखा, ठीक है। कई सवालों को कैसे हल करेंगे, आपको चित्र देख देख के हल करना होगा। जैसे मान लो जैसा आपको फॉर्म डायग्राम दिया हुआ है उसको देख देख के हल करना होगा। सपोज कीजिए मेरे पास एक डायग्राम इस तरह का प्राप्त हुआ, ये आ गया, फिर ये आ गया, है ना, ये हो गया अपने पास, यूँ जोड़ दिया। मान लीजिए इस तरह का अपने पास क्या है, कोई भी एक डायग्राम है, इसको जोड़ा गया यूँ करके, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया, बैटरी वर से जोड़ रखा है। आपको कह दिया गया कि ये अपने पास क्या है, मान लो ये एक ओम का है, ये दो ओम है, ठीक है, ये तीन ओम है, और ये क्या है, चार ओम है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब आप गौर कीजिए कौन सा क्रम है ये, आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा क्रम है, यहाँ सीधा सीधा ये चल रहा है, तो इसको हटा के अगर एक नया लगाया जाए तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है ये आपका, श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में यहाँ से अगर आर निकालना चाहें तो दोनों को जोड़ के निकाला जा सकता है, यानी यहाँ पे एक तीन ओम लगाया जा सकता है, इसको हटा के एक तीन ओम लगाया जा सकता है। यहाँ भी देखूँ तो यहाँ भी ये कौन सा क्रम है, तो ये भी कौन सा क्रम है अपने पास, श्रेणी क्रम ही है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो तीन और चार कितना हो गया, सात ओम का निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, सात ओम का। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की, आ गया तो ये कहना चाहता है क्या कि इसको तो हटा दीजिए, ये जो अपने पास है ना, इनको हटा के, जैसे हटा रहा हूँ इनको, अब आप हटा दीजिए, ये हटा दिया अपन ने, और इनकी जगह क्या लगाने के लिए कह रहा है वो, कितना लगाने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है इसको हटा के आप कितना लगा दें, एक नया लगा दीजिए, कितने का, तीन ओम का, कितने का, तीन ओम का लगा दीजिए। इसको भी हटा दो, इसको हटा के क्या करना है अपन को, इसको क्या कह रहा है कि हटा दीजिए, तीन और चार है ना, इसको हटा के आप एक तुल्य प्रतिरोध लगा सकते हैं। चलिए हटा देते हैं, ये अपन ने ये हटा दिया, इसकी जगह क्या लगाने के लिए कह रहा है वो अपने को, क्या कह रहा है, चलो इसको भी हटा देते हैं लाइन भी, ताकि क्या हो अपने को समझ में आती रही चीज। ये लाइन हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, इसको भी थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये लो इसको साफ कर दिया। अब क्या कह रहे हैं वो, ये तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, तुल्य तीन ओम लगा दिया, और नीचे कितने ओम का लगाने के लिए कहा उन्होंने, देखिए यहाँ पे कितने ओम का, सात ओम का लगाने के लिए कहा, ठीक है। तो पहले तो क्या हुए थे, श्रेणी क्रम में आए थे। अब जो आपको चित्र नजर आ रहा है, अब चित्र को देखते हुए बताइए, ये तो पहले वाले का मामला था, हटा दिया इसको अपन ने। अब जो नया डायग्राम नजर आ रहा है अपने को, नया डायग्राम नजर आ रहा है, बताइए कैसा नजर आ रहा है, दोनों के एक तरफ है। अब क्या हुआ, अब ये समांतर क्रम में आ गए, अब क्या हो गया ये, अब अपने पास ये कौन से क्रम में है, तो अब आप कहेंगे सर ये तो समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा एक बटा आर बराबर एक बटा तीन प्लस एक बटा सात, ठीक है। लघुतम ले लो, तीन और सात इक्कीस होता है, सात प्लस तीन ये आ गया दस बटा इक्कीस। यहाँ गलती मत करना, कई बच्चे दस बटा इक्कीस आके लिख के छोड़ देते हैं। ये दस बटा इक्कीस तो एक बटा आर का मान प्राप्त हुआ है हमें, किसका मान हुआ है, एक बटा आर का मान प्राप्त हुआ है, यानी आपको क्या मिला है, एक बटा आर बराबर दस बटा इक्कीस मिला है। जबकि आप क्या निकालना चाहते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, आर ज्ञात करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, आर ज्ञात करना चाहते हैं। तो आर का मान कितना आएगा, देखिए एक बटा आर बराबर दस बटा इक्कीस है, तो आर पलट दिया तो ये आ गया इक्कीस बटे दस, यानी 2.1 ओम, कितना 2.1 ओम। कहने का मतलब ये है कि इसको भी हटा दो, वो क्या कहना चाहते हैं कि इसको भी हटा दो, और इसको हटा के जो आपका चित्र है फाइनली क्या होगा, वो ये कहना चाहते हैं ये तीन ओम भी हटा दो, ठीक है, और एक सीधा सा बना लो क्या कितने ओम का,
इन सबको हटा के वो का वही रिजल्ट आएगा आपका, इसको अपन ने हटा दिया, सेम वो का वो रिजल्ट आएगा, कौन सा, जो अपने को तुल्य प्रतिरोध लास्ट में हमने फाइनल प्राप्त किया है। फाइनल कितना प्राप्त किया, देखिए आपके पास आपने निकाल रखा है, फाइनल आपको क्या मिला, तो फाइनल हमें क्या मिला, 2.1 ओम प्राप्त हुआ, हमें क्या हुआ 2.1 ओम प्राप्त हुआ। तो वो ये कहना चाहते हैं कि सबको हटा के आप क्या करें, केवल 2.1 ओम लगा लें, तो एक ही बात है। या फिर ये भी कहना चाहते हैं कि पहले वाला जो जाल था उन सबका जो प्रतिरोध निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2.1 ओम निकलेगा। तो ये मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध का। अभी जिस एग्जांपल में बात किया वो मिश्रित था आपका, उसमें समांतर भी था और क्या था, श्रेणी क्रम भी था। तो आपको चित्रों को देख के पहचानना आना चाहिए कि कहाँ पे श्रेणी है कहाँ पे समांतर है, तब जाके न्यूमेरिकल हल हो सकते हैं। आपने परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में कई कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पे मिश्रित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे मिक्स कर देते हैं, जाल बना देते हैं, उस जाल को देख के हमें पता करना होता है कि कौन से क्रम में इनको जोड़ा गया है। देखिए और कई जाल हैं, अपन प्रश्न करेंगे तो वहाँ दिख जाएगा, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप सोचना ये जाल कौन से क्रम में है। ये मान लो इस तरह दे दिया जाए अपन को, ठीक है इस तरह का दे दिया और अब इसको यूँ जोड़ दिया गया, ठीक है अब सोचिए कौन से क्रम का है। तो यहाँ क्या देख रहे हो, सबका एक तरफ आ गया, एक हाथ एक तरफ दूसरा हाथ दूसरे तरफ, तो ये अपने को नज़र आ रहा है कौन सा क्रम है, ये आपका समांतर क्रम है। यानी क्रम को पहचानना आना चाहिए अपने को, क्या होना चाहिए, क्रम को पहचानना आना चाहिए। मान लो ए बी सी और डी दिया हुआ है, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इधर से हमने क्या किया, इधर से भी जोड़ दिया, ठीक है इधर से भी ये जोड़ दिया, सोचिए कौन सा क्रम होगा, अपने को सोचना है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया, हमें सोचना है कौन सा क्रम है। भाई ये अपने पास क्या हो गया, ये R1 आ गया, R2 आ गया, ये R3 आ गया, ये R4 आ गया, ये R5 आ गया, इन सबको फिर जोड़ देंगे। तो क्रम देखना आना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कि कौन सा क्रम कैसा है, ये अपने को पता होना चाहिए। अगर यहाँ देखें तो R1 R2 R3 है ना, यहाँ पे क्या करेंगे आपका कोई ना कोई वायर लगा देंगे, कहीं से भी डी में लगा देंगे सी में लगा देंगे, उनकी इच्छा है कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो आपको पहचान में आना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं पहचानना चाहूँ तो देखिए R1 R2 और R3 ये कितना है अपने पास, फोर फाइव है ये R5, ये कौन से क्रम में, एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इस तरह चित्रों को देख के पहचानने में आना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी बुक में दिए हुए हैं, किए जा सकते हैं। कुछ प्रश्नावलियों में जो है ना अपने लास्ट में अभ्यास प्रश्न, वहाँ भी क्वेश्चन है, कुछ अपन खुद भी बना के हल कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये संयोजन समझ में आ गया होगा, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।